आपसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भटिंडा में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भटिंडा में केस दर्ज किया गया है सोनिया गांधी के खिलाफ, जहां सोनिया गांधी के खिलाफ समन जारी हुआ है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, बता दें कि सुनील जाखड़ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पंजाब से बड़ी खबर, पार्टी का जोन ऑफिस और अवैध इमारत बनाने का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां 7 सितंबर को भटिंडा कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। भटिंडा में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सिद्धू जुड़ चुके हैं। संदीप, और क्या कुछ जानकारी आ रही है इस खबर को लेकर? जी, भटिंडा में सिविल लाइन क्लब में बने हुए गुरु नानक देव हॉल और लाइब्रेरी को हटाकर जो वहाँ पे कांग्रेस का जोन दफ्तर बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ भटिंडा से ही दो लोगों ने, जगजीत सिंह और शिवदेव सिंह की ओर से कोर्ट में केस दायर किया गया है, जिसके सम्मन जारी हो चुके हैं। 7 सितंबर को जो है कोर्ट की ओर से पार्टी प्रधान सोनिया गांधी और पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ के समेत 12 लोगों को सम्मन जारी किए गए हैं, और 7 तारीख की जो है कोर्ट में पेशी की गई है। जी संदीप सिद्धू, 7 सितंबर को भटिंडा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, क्या सोनिया गांधी और सुनील जाखड़ की तरफ से किसी तरीके का बयान आया है इसको लेकर? अभी तक बयान तो नहीं आया, लेकिन जो पता सूत्रों के हवाले से पता चला है, आज छुट्टी का दिन भी है, संडे भी है, और जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लोगों के खिलाफ जो केस दायर किया गया है और उनके खिलाफ जो है कोर्ट की ओर से सम्मन निकाल दिए गए हैं, और आने वाले दिनों में और हो सकता है कल इनकी ओर से कोई ना कोई बयान दिया जा सकता है। जी जी संदीप सिद्धू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि भटिंडा में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ सुनील जाखड़ के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 14 लोग और भी शामिल हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब 7 तारीख को उनको पेश होने के लिए कहा गया है। पार्टी का जोन ऑफिस और अवैध इमारत बनाने से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, जिसके चलते 7 सितंबर को अब भटिंडा कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं सोनिया गांधी और सुनील जाखड़ को। बता दें कि भटिंडा में सोनिया गांधी के खिलाफ और सुनील जाखड़ के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। सराहा पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर, जहां लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधायक सुखराम चौधरी भी वहां मौजूद रहे, और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।